नमस्कार, मैं रोहित कुमार, राम रीच फाउंडेशन। देख रहे हैं, अमित शाह अब आ गए हैं बीच में ताकि वो बिहार एनडीए में टूट की संभावनाओं को रोक सके। चिराग पासवान के तेवर जो हैं वो तल्ख हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू ने भी अब साफ कर दिया है कि 30 से ज़्यादा पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो अमित शाह बीच में आ गए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में अमित शाह के साथ साथ चिराग पासवान और बीजेपी की वरिष्ठ नेता, उनकी जो बैठक हुई है उसमें इसी फॉर्मूले पर बात हुई। चिराग पासवान बाहर निकले तो साफ कर दिया कि पार्टी सबसे पहले है, किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। तो दबाव बना कौन रहा है? क्या नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं या दबाव बना रही है बीजेपी? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तक एनडीए के अंदर का जो पेच है वो भी बहुत जटिल होता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए के अंदर में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एनडीए के अंदर में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। जाहिर तौर पर पटना से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से फिर पटना जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बड़ी बात यह कि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त रहते एनडीए ने सीटों पर समझौता कर लिया था, एनडीए की तरफ से ही उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया था और कहीं कोई जो है हो हल्ला हंगामा नहीं था, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसका पार्टी को या गठबंधन को माइलेज भी मिला। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार ऐसा पेच फंस क्यों रहा है? दरअसल चिराग पासवान को पहले जो है वो बीजेपी या जदयू अपरोक्त तौर पर आप कह सकते हैं कि वो 20 सीटें देने को तैयार है। चिराग पासवान 33 सीटों में मानने वाले नहीं हैं, तो कई फॉर्मूले गढ़े गए हैं, कभी 20, कभी 22+2 का, कभी 25+2 का, कभी 27+2 का, और अब जो जानकारी आ रही है कि 30 जो है जिसमें 27+3 का फॉर्मूला है। अब देखना होगा कि इस फॉर्मूले पर चिराग पासवान का स्टैंड क्या होता है, लेकिन दावा इस बात का है कि बहुत जल्द जो भी तरीके से कहें कि जो उलझने हैं, जो परेशानियां हैं एनडीए के अंदर में शीर्ष श्रेणी के मामले पर, उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। ऐसे में देर रात तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करके पटना लौट आए हैं। अब उनके लौटने के साथ ही जो है अब बिहार में जो है वो मीटिंग का दौर शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी के नेताओं की आज मुलाकात होगी और मुलाकात में सब कुछ बेहतर रहता है, यानी कि चिराग पासवान अगर मान जाते हैं तो जाकर के स्थिति ऐसी बन सकती है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कल यानी कि शुक्रवार को हो सकता है। हालांकि संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं क्योंकि सूत्र बताते हैं कि 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि लोग झुकने को तैयार नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब खबर ये है कि जो एनडीए है वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि टूट जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आखिरकार चिराग पासवान को बीजेपी और जदयू की बात माननी पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज नोटिफिकेशन हो गया है, यानी कि नामांकन की शुरुआत हो गई है। पहले चरण के लिए बिहार में 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। अब जो वक्त है वो बहुत कम है, लिहाजा पार्टियों को जल्द से जल्द ऐलान करना होगा। कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये फॉर्मूला अभी तक सेट नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 105 वाले फॉर्मूले पर यानी 110 और बाकी की जो सीटें बच जाती हैं कुल 33 उस पर लोजपा, ये फॉर्मूला हो सकता है। या फिर ऐसी स्थिति बन सकती है कि 110 और बाकी की बची हुई जो 23 सीटें हैं वो लोजपा के लिए छोड़ जा सकती हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। मांझी को अकोमोडेट करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की जदयू को मिली है, तो चिराग पासवान को मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी को दे दी गई है। देखना होगा कि कौन किसको मना पाता है, किसका एडजस्टमेंट सही तरीके से किया जा सकता है और कितनी जल्दी ये तमाम अड़चनों को दूर करें ये जो पूरा एनडीए है वो इंटैक्ट नजर आता है या फिर एनडीए टूटता हुआ नजर आएगा। इन तमाम चीज़ों पर न्यूज़ फाउंडेशन की नज़र लगातार रहेगी। इलेक्शन की तमाम खबरें सबसे पहले हमारे पास। नमस्कार।